हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है बैरोमेट्रिक इक्वेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन। बैरोमेट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चंस क्या बनते हैं? जो पहला क्वेश्चन बनता है, सिंपल डिफाइंड बैरोमेट्रिक इक्वेशन और उसका एक्सप्रेशन आपको राइट डाउन करना होता है। 1.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन वहां से आता है, जस्ट सिंपल डिफाइंड बैरोमेट्रिक इक्वेशन एंड राइट डाउन द एक्सप्रेशन। ओके, एंड जो सेकेंड क्वेश्चन बनता है वो 3 मार्क्स का बनता है। 3 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन क्या आता है, डेराइव द बैरोमेट्रिक इक्वेशन। पूरा आपको कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई करना है और 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, या फिर वहां पे ये पूछ लेता है ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन को आपको प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बैरोमेट्रिक इक्वेशन। जस्ट सिंपल बैरोमेट्रिक इक्वेशन का हम स्टडी क्यों करते हैं और ये क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। ओके, बैरोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? बैरोमेट्रिक इक्वेशन एन इक्वेशन विच एक्सप्लेन द चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इन एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम एटमोस्फियर पे हाइट पे जाते हैं तो वहां पे प्रेशर में किस तरह से चेंज होता है। मैं यदि अर्थ की बात करूं तो अर्थ से जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर की ओर जाते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे कम होंगे। एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे कम होंगे तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से होगा, प्रेशर वहां पे किस तरह से चेंज होगा। तो जस्ट सिंपल बैरोमेट्रिक इक्वेशन एन इक्वेशन विच एक्सप्लेन द चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इन एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, कि एटमोस्फियर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग जो प्रेशर की वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होगी, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय बैरोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, तो जस्ट सिंपल पहले आप डेफिनेशन राइट डाउन करो कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद हम कंप्लीट डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होके आता है। तो बैरोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन राइट डाउन करो, द इक्वेशन बाय विच एक्सप्लेन द चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू हाइट। लाइक हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जैसे जैसे हम हाइट एच पे जाते जाते हैं तो यहाँ प्रेशर की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। डेल पी डिनोटेड हियर चेंज इन प्रेशर, डेल्टा किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर के चेंज को शो कर रहा है। तो इस तरह से बैरोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू आप क्या एक्सप्लेन करते हो, चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इन एटमोस्फियर ऑफ अर्थ। अर्थ पे जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं तो वहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो किस तरह से चेंज होती है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय बैरोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, द एक्सप्रेशन इज पी इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का एम जी जेड अपॉन के टी। ओके, ये है क्या, टेंशन मत लेना, अभी हम पूरा इसका डेरिवेशन सिंप्लीफाई करेंगे कि ये किस तरह से आया है। ओके, पहले आप राइट डाउन कर लो, p इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का एम जी जेड अपॉन के टी। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ बैरोमेट्रिक इक्वेशन। p यहाँ पे प्रेशर होता है, p नॉट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू n एम जी अपॉन a है। ओके, नाउ मैं ये जो हम यहाँ पे कोफिशिएंट यूज में ले रहे हैं उनको भी डिफाइन कर देती हूँ, आप इनको भी डिफाइन करना। n इज टोटल नंबर ऑफ m मॉलिक्यूल्स, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, z इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, a इज बेस एरिया ऑफ एयर कोलम, एंड के इज बोल्ट्ज़मैन कॉन्स्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, तो इस तरह से 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो आप बैरोमेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन करोगे प्लस उसका एक्सप्रेशन लिखोगे और इसमें जो कॉफिशियंट्स है इनको भी आप डिफाइन करोगे तो आपके 1.5 मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, उसके बाद हम स्विच होंगे इसके डेरिवेशन पे। तो जल्दी से लिख लो, बैरोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, एन इक्वेशन बाय विच वी एक्सप्लेन द चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू हाइट इन एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, एंड द एक्सप्रेशन इज पी इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस का एम जी जेड अपॉन के टी। ठीक है।